हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आई एम रियली सॉरी, लास्ट 2 दिन से व्लॉग नहीं कर पाई। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, स्टोरेज प्रॉब्लम मेरे फ़ोन की जो हर महीने आ जाती है, प्रकट हो जाती है, उसकी वजह से। एंड कल मैं ऑफिस भी गया था तो वहाँ पे मेरे को पूरा टाइम नहीं मिला। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन से शूट नहीं कर पाया हूँ। एंड दी एन जी को तो अपना गाँव में ही है, वो तो इस वीकेंड आए नहीं। तो वो वीकेंड में नहीं आता तो थोड़ी बोरियत सी हो जाती है, मतलब वो थोड़े होते हैं ना तो टाइम पास हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाती है, आते हैं कहीं हम जाते हैं तो मज़ा आता है व्लॉग करने में भी। घर बैठे यार थोड़ा सा ना मन भी नहीं करता, बट जेनरली प्रॉब्लम आ गई थी फ़ोन की स्टोरेज की, वो तो आपको पता ही है। एंड अभी तो टाइम हो रहा है 11:30, मम्मी को चाय वाय के लिए बोलता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। यार लिटरली मैं बालकनी में आया और मैंने देखा मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है। लेट मी शो यू सी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कोई मौसम नहीं बनने वाला था ऐसा, एकदम से मौसम बन गया और बहुत बढ़िया वेदर हो चुका है ये देखो। बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल जंक फूड को थोड़ा सा, लेट्स सी कितना अवॉइड कर सकते हैं। हाँ मौसम है, अच्छा है, खाने वाला है, बट आई विल नॉट ईट। बस मौसम का आनंद ले रहे हैं। हाँ बस चाय पी सकते हैं, उससे मोटापा नहीं बढ़ता, मौसम को इन्जॉय करते हैं। और आप थोड़ा सा इसको देखो सी, पूरे काले हो रखे हैं बादल। चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर में। एक दिक्कत हो गई है, क्या बताता हूँ, ये गेट खराब हो रहा था बहुत टाइम से, बट अब इसमें मैंने पूरी जान लगा ली। लास्ट 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे बंद हो गए, तो ये खुल नहीं रहे हैं। होपफुली अंदर कोई नहीं है, बट अब इस टाइम कारपेंटर भी नहीं, क्योंकि टाइम 7 बज रहे हैं और ये खुल नहीं रहा है, मैंने पूरी जान लगा ली है। बाकी बाहर का वेदर तो अच्छा हो ही रहा है, और जो लग रही है भूख, मैंने ब्रेड मग बटर खाया था और चाय पी थी। देखो नीचे जाता हूँ, सोच रहा हूँ जज्जू भाई पे चले जाऊँ गोलगप्पे खाने, बहुत दिन हो गए। तो चलो देखते हैं क्या प्लान बनता है गोलगप्पे खाने का। अभी का सीन कुछ ऐसा है, पहली बात तो गेट नहीं हुआ ठीक, वो नहीं खुल रहा, कारपेंटर को बुला के ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं वॉशरूम कैसे जाऊंगा यार, ऐसे एक और है बट यार अपना ये वाला ओला भाई का है देखो। बाकी आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट, मेरे को भूख लग रही है तो मैं नीचे जा रहा हूँ रज्जू भाई के गोलगप्पे खाने। तो ज़रा गोलगप्पे खा कर आते हैं, देखते हैं कितने मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी होती है। जल्दी से खा पी के आते हैं। तो गाइस गोलगप्पे मैंने खा लिए, रज्जू भाई पे नंबर पता कब आया मेरा, ऑलमोस्ट 1/2 घंटे बाद आया था मेरा नंबर। तो मैंने गोलगप्पे तो खा लिए, बढ़िया थे, पर भूख मुझे अभी भी लग रही है, मैंने ज़्यादा नहीं खाए। चाय पीने का मन कर रहा है, देखो मम्मी चाय बना के दे दिया तो चाय पियेंगे और फ़ोन को चार्ज करते हैं। चीकू होता तो उसका चार्जर तो बड़ी मस्त तरीके से चार्ज हो जाता है, पर क्या करें, मेरे को भी लेना है, लेंगे। चलो छोड़ो इस बात को, घर पहुँचते हैं पहले। तेरे की मेरे को नहीं लगता ये खुलेगा भाई साहब, क्या ही हो गया इसको, खुल ही नहीं रहा है। पर लॉक कैसे हो गया समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। ये देखो ये गेट ना खुला नहीं है ठीक है, अब सुबह खाली बन रहेगा तो ये खुलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और मुझे लग रही थी भूख, तो मम्मी ने पापड़ी बना के दे दी है, यही चटनी वालों सौंठ डाल के, बढ़िया सा मज़ा आ गया। तो मैं ये खाता हूँ, ये इन्जॉय करता हूँ, अब देखो ये कब तक खुलता है गेट हमारा। आज है डिनर में मटर पनीर, नींबू का अचार एंड परौठी, तो मैं ये खा लेता हूँ पहले, इसके बाद मैं जाऊँगा नीचे। और मूवी आ रही है कल, हो ना हो देखी होगी आप लोगों ने, शाहरुख खान की मतलब बढ़िया मूवी है। तो बस वो देख रहा हूँ, मम्मी कह रही मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं कहती बढ़िया मूवी आपने हजारों बार देखी, भाई याद नहीं है। मैं ये खा लेता हूँ फिर मैं नीचे जाऊँगा वॉक करने। तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ नीचे वॉक करने, एंड प्लीज़ इसको इग्नोर करना, एक्चुअली मैंने अभी मुँह धोया था खाना खा के, तो बस ये वो पानी है और कुछ नहीं है, खाना वाना नहीं गिरा था अपनी टी शर्ट पर, अवॉइड करता हूँ मैं सब चीज़ें कि मतलब कपड़ों पे ना गिरे या कहीं पे भी ना गिरे।
तो यार बस जाके थोड़ी वॉकिंग करते हैं आधा एक घंटा, और फोन की बैटरी 8% है। तो मैं सोचा लिफ्ट में ही आपसे विदा ले लें आज के लिए, एंड कल इंडिपेंडेंस डे तो मैं सोसाइटी में छोटा मोटा फंक्शन भी है, दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।